12 राज्य इस वक्त ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, जहां कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है। एक ज़माने की भारत की सबसे बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी कहती है, जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहलवाना चाहती है, पैन इंडिया पार्टी अब नहीं रही। 12 राज्यों में उसका कोई नाम नहीं। रिएक्शन ले लेते। अरुण सिंह हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ गए, और साथ ही सचिन अहिर हमारे साथ एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। अरुण सिंह जी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर चले थे 12 राज्यों से, तो कांग्रेस मुक्त कर दिया आप लोगों ने? 12 राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है रुझानों के हिसाब से? देखिए, जो कांग्रेसी संस्कृति थी, कांग्रेस की कार्य पद्धति थी, उससे हमने कहा था इस संस्कृति, इस कार्य पद्धति से मुक्त चाहिए। और वही धीरे 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 करके कांग्रेस सभी राज्यों से साफ होती जा रही है। उसके साथ साथ इस लोकसभा में भी दिखाइए, इस लोकसभा में कांग्रेस ने कोई विकास का एजेंडा सामने नहीं रखा। राहुल गांधी लगातार निगेटिव पॉलिटिक्स करते रहे, और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो गरीब जिसके साथ है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी पे लगातार झूठे आरोप लगाते रहे। जनता समझती है और जनता सब जानती है कि कौन सही है, और ऐसा नेतृत्व जो विश्वसनीय नेतृत्व हो, ऐसा नेतृत्व जो ईमानदार नेतृत्व हो, ऐसा नेतृत्व लगा मेहनती नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जो लोकप्रिय नेतृत्व है, वह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ऐसे नेतृत्व पे आरोप लगाने से तो कांग्रेस का सफाया होगा ही होगा। ठीक ठीक है। हमारे साथ सचिन भी है, सचिन अहिर एनसीपी से हैं। सचिन, कांग्रेस की वजह से तो ना नुकसान हुआ आपको महाराष्ट्र में, क्योंकि आप भी 5 तक ही सीमित हैं। कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला, एनसीपी भी 5 तक है। क्या कांग्रेस का नुकसान आपको, कांग्रेस की वजह से आपको भी नुकसान भुगतना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि 4 सीटें हमारी गए वक्त में थी, और कुछ तो भी जो रुझान आ रहे उसमें 5, लेकिन सुबह से 8-10 सीटों के ऊपर दिख रहे। और हमेशा लगता है कि छठवां राउंड चल रहा है, तो हो सकता है कि आगे के 4-5 राउंड में हम बढ़त लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो बहस आपने की है, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि काम से ज़्यादा नाम इस वक्त देश ने चलाने का काम किया, और मूल मुद्दों से हटकर जो एक स्ट्रैटेजिकली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो प्रचार रहा, उसमें लोगों ने उनको साथ देने का काम किया। फिर वो राष्ट्रवाद हो या कोई अन्य अन्य मुद्दों को लेकर जो जिस तरह से है, और मूल मुद्दे जो है वो चले गए, बाजू में रह गए जो विकास के मुद्दे थे। और दूसरी जो अहम बात जो इसमें दिख रही है कि जो पर्सनल अटैक, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान हुआ होगा या फिर मोदी जी ने इंडिविजुअली किसी को भी किया होगा, तो ये चुनाव पूरा सेंट्रलाइज एक व्यक्ति के ऊपर और दूसरे व्यक्ति के ऊपर चला गया, और लोगों ने उसमें मोदी जी को स्वीकारा है, ये बात हमको स्पष्ट मानना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी और अरुण जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया दोनों। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट। हमारे साथ गिरिराज सिंह जुड़ गए, एक बार गिरिराज सिंह, गिरिराज कर रहा था बहुत बड़े मार्जिन से, गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और बहुत बड़े मार्जिन से वो अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। गिरिराज जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप बहुत आगे चल रहे हैं और अब आपका मैं स्वागत करता हूँ। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप सिर्फ कन्हैया कुमार को भी, सुधीर जी जी कहिए। हाँ सुधीर जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, आपको बधाई दे रहा हूँ सुधीर जी, इसलिए कि आप डीएनए से लेकर के आप बता रहे थे कि इस देश में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, उसने जातिवाद को ख़त्म कर दिया, वंशवाद को ख़त्म कर दिया, क्षेत्रवाद को ख़त्म कर दिया, ये छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वालों को ख़त्म कर दिया। लेकिन आपकी बात भी, पत्रकार कुछ मीडिया नाम नहीं लूँगा, उनको बुरा लगता था, और इसी बेगूसराय में मैं आपके माध्यम से आपके बिरादर से निवेदन करता हूँ कि मीडिया आप हैं जो दिखाओ उसकी विश्वसनीयता बनाओ, बड़े बड़े एडिटर से लेके कौन एक एक घंटा का पैकेज चला रहे थे। सुधीर जी, मुझे पीड़ा हो रही थी, देश की मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, जमीन की हकीकत से दूर दिखा रहे थे, गरीबों में नरेंद्र मोदी के प्रति अपार विश्वास था, अपार विश्वास था। मैं तो कहता हूँ मैं नहीं जीतूंगा, नहीं मैं जीता हूँ, जीता है तो ऊपर से महादेव, नीचे नरेंद्र मोदी और बेगूसराय की जनता, जिसको नरेंद्र मोदी पर भरोसा। जी गिरिराज जी, आपकी जो लड़ाई है वो कन्हैया कुमार से ही नहीं, पूरी की पूरी एक विचारधारा से आपकी लड़ाई थी।
और इस दौरान कभी आपसे जब बात भी होती थी तो ऐसा लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार सारे के सारे आपके खिलाफ उतर आए थे। आपके चुनाव क्षेत्र में ज़बरदस्त अभियान हुआ, ज़बरदस्त प्रचार हुआ, आपके मुकाबले मीडिया में उन्हें स्पेस भी ज़्यादा मिला। तो कई बार आपको ये लगा, आपके हालांकि जनता ने भी बता दिया कि मीडिया में जो स्पेस मिलता है आपके मुकाबले कन्हैया कुमार को वीक कैंडिडेट होने के बावजूद भी कहीं ज़्यादा स्पेस मिला। देखिए, मैं पहले भी कहा, मुझे पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। सारे वार्ड वापसी गैंग यहाँ मौजूद थे, देश ही नहीं विदेश के पत्रकार, जिस ढंग से लोगों को, देश को, दुनिया को भ्रमित करने का कोशिश किया और केवल नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का कोशिश किया, विचारधारा पर करने की कोशिश की, लेकिन जो जनता थी ना सुधीर जी, उस जनता की आंखों में इस विपक्ष ने कभी आंखें डाल के नहीं देखा। उस जनता की आंखों में नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार था, विश्वास था, और वही प्यार और विश्वास और वही विचारधारा छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को नकार दिया, जातवाद को नकार दिया, क्षेत्रवाद को नकार दिया, नफरत को नकार दिया। बेगूसराय की धरती पर पूरे और देश से, दुनिया से लोग आकर के नफरत फैला रहे थे, धर्म का नफरत, समाज का नफरत। और मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस लड़ाई को लड़ा, वही लड़ाई यहाँ लड़ाई हम लड़ रहे थे। जी, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। पहले गिरिराज जी, आपको बहुत बधाई। देखिए, मैं बेगूसराय कई बार गया चुनाव के दौरान, दो बातें मैंने देखी। ये लड़ाई सिर्फ गिरिराज जी और कन्हैया कुमार के नहीं था, बेगूसराय को एक प्रयोगशाला के रूप में देश के छद्म बुद्धिजीवी उपयोग कर रहे थे। और आपकी बिरादरी के कुछ लोग जो ये मानते हैं कि पत्रकारिता के वही पर्याय हैं, वहाँ पत्रकारिता करने नहीं गए थे। घंटे घंटे भर का पैकेज कन्हैया कुमार को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा था। मैं कहा, पत्रकारिता के नाम पर इतना बड़ा कलंक था बेगूसराय में, असमानता, गिरिराज जी कहीं नहीं है, वो दिखाते थे गिरिराज जी कहीं नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, कहने के लिए तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मैं आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन आप बेगूसराय की जनता से पूछिए कम्युनिस्ट पार्टी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया। गिरिराज जी का तो चुनाव, मुझे लगता है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी निराशा थी, गिरिराज जी ने के पास पैसे नहीं थे, पैसे खर्च नहीं हुए। सामान्य साधारण तरीके से जैसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती थी वैसे गिरिराज जी चुनाव लड़ रहे थे, जैसे स्वतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती थी वैसे कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही थी। इसलिए गिरिराज जी की विक्ट्री राष्ट्रवाद की परिभाषा के बीच में चुनाव था। सकारात्मक पत्रकारिता जो आप कर रहे हैं, जो छद्म पत्रकारिता लोग बैठकर कर रहे हैं, उनके बीच का ये चुनाव था। ये कई मुद्दों पर यह चुनाव निर्णय देने वाला है। जी, जी 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 विवेक जी, गिरिराज जी हैं हमारे साथ। जी जी हैं, लाइव हैं। गिरिराज जी, मैं विवेक अग्निहोत्री बोल रहा हूँ, नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक्चुअली एक तरफ आप सही कह रहे हैं, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ देश की ज़मीन से निकले हुए लोग थे और दूसरी तरफ फॉरेन फंडेड अर्बन नेक्सल्स या जो भी आप दरबारी लोग बोलते हैं, ये लोग जो कि वाकई में इस देश की ज्योग्राफिकल और कल्चरल बाउंड्री जो है उसको धीरे धीरे श्रिंक करना चाहते हैं, ये इनका मेन पर्पज़ है, सो दैट अल्टीमेटली घूम फिर के इनके हाथ में ताकत रहे। जी, उसकी हार बहुत अच्छी हार है। आपको पता है, तीन चार लोग, शशि थरूर, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार, ये तीन आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन थे। एक तरफ इलिटिज्म शशि थरूर की, वंशवाद राहुल गांधी का, और तीसरी तरफ ये फॉरेन फंडेड अर्बन नेक्सल्स, ये तीनों हारे, इससे अच्छी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पैनल में इतने सारे वरुण गांधी और मानेका गांधी क्या कर रहे हैं, हमारे पैनल में इतने सारे जो पत्रकार भी बैठे हुए हैं, और स्मिता जी खास तौर पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस पूरे मीडिया में, इस बार इस पूरे चुनाव प्रचार में मीडिया ने जो भूमिका अदा की है और मीडिया ने जो गलत तस्वीर पेश की, जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू हुआ प्रधानमंत्री के साथ और आपके ऊपर ये आरोप लगाए खुद राहुल गांधी ने कि आपने अच्छे सवाल नहीं पूछे, सख्त सवाल आपने नहीं पूछे, जो पूछना चाहिए था वो नहीं पूछा, मैंने इंटरव्यू किया मुझ पर भी यही आरोप लगे, और जो दूसरे पत्रकार हैं वो आपके रसोई में क्या पकता है, समोसा कैसा था, ये सब पूछ के आ जाते हैं और फिर भी उनको उनकी तारीफ होती है। इसी तरह गिरिराज सिंह के केस में भी अगर आप देखें
तो बहुत सारे पत्रकार एक एक घंटे के इंटरव्यू उनके कर रहे थे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ किस झोंपड़ी में रहते हैं। ये जो इम्बैलेंस है मीडिया में, क्या आपको लगता है इन नतीजों के बाद ये भी अब खत्म होगा और एक एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो मैं कह रहा था कि जो आज शाम को फिर से स्क्रीन काली करेंगे, उनको उनको क्या इसके बाद भी कुछ नसीहत मिलेगी या ऐसा ही रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। जो अटैक, देखिए एक बात है कि अगर पॉलिटिशियन हमें अटैक करें, हम मीडिया वाले हैं, अगर पॉलिटिशियन कहें कि आप बायस हैं, आप सही काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये उनका काम है कि वो अपनी अपना एजेंडा आगे रखे। लेकिन इस बार पहली बार इस चुनाव में हुआ है कि पत्रकार पत्रकार को खाने को आ गया है, मीडिया में भी पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन इतना हो गया है कि मतलब दे आर नॉट नॉर्मल डूइंग जर्नलिज्म। सवाल जो हम सवाल पूछ रहे हैं उस पर हर एक इंटरव्यू पर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, जो प्राइम मिनिस्टर क्या जवाब दे रहे हैं उसके बारे में लेख नहीं था। सारे आर्टिकल्स ये थे कि आपने ये सवाल क्यों पूछा, आपने फला सवाल क्यों नहीं पूछा, मतलब हमारे सवालों पर आर्टिकल्स लिखे गए, जवाबों पर आर्टिकल्स नहीं लिखे गए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब एजेंडा इतना ऊपर हो जाता है कि आप पत्रकारिता छोड़ देते हैं, आप मीडिया का काम छोड़ देते हैं, आप एक एजेंडा के तौर पर चल रहे हैं, पर इस पर कोई सोच नहीं होगा, इस पर कोई मंथन करके, जैसे गांधी फैमिली कभी हटने वाले नहीं है कांग्रेस से, वैसे ही ये जो सोच वाले लोग हैं जो पत्रकारों पर अटैक करते हैं वो भी नहीं बदलने वाला कभी। जी तबलीन जी, आपके पास आता हूँ, तबलीन जी से एक रिएक्शन। मैं बहुत सालों से आप लोगों से ज़्यादा यहाँ पे वो रही हूँ, उस सर्कल में, उन पत्रकारों की सर्कल में जो खुद पॉलिटिशियंस के, यानी कि उस सर्कल में थे, यानी कि एक एक क्लब, खान मार्केट क्लब कह लें, लटियंस क्लब कह लें, एक क्लब था जिसमें पत्रकारों का उतना ही भाव था जितना राजनेताओं का था, और सांठगांठ थी। अब वो जो है, एक तो वो राजनेता जो थे जिन्होंने इन लोगों को इतनी ताकत दे रखी थी, वो हट रहे हैं, और इन लोगों की जो ताकत हट रही है, जो अंग्रेज़ी भाषी अखबारें हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू भी नहीं दिया है अभी तक, और अर्नब गोस्वामी को जब दिया तो अर्नब गोस्वामी को हिंदी में पूछने पड़े सारे सवाल। तो उन लोगों की जो शक्ति थी वो जो कम हो रही है, और कम हो गई है, अब तो बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई है, अब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनवा सकते। तो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या ये है। सॉरी, आप बोलिए, आप बताइए। मैं जिस बात की तरह अब ये जिक्र आया कि मीडिया ने जिस तरह से ब्रांडिंग की, तो क्या ऐसा नहीं कि जो जिन्होंने ब्रांडिंग की, दो तरह के लोग थे, जैसा कि आपने कहा पोलराइजेशन हो गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ज़्यादा क्लिक कर गए और जो दूसरे ब्रांड वाले थे वो रह गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो चुनाव है इसमें मीडिया का भी पूरा पूरा जो है सरोकार रहा है, और मीडिया का भी इसमें पूरा पूरा योगदान रहा है। तो ये भी एक देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मीडिया हमारा किस तरफ जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि अगर आज चुनाव से एक महीना पहले कोई मीडिया हाउस ये कहे कि बीजेपी आ रही है और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, हाँ, और उनकी स्थिति बहुत मजबूत लग रही है, तो आपको बिका हुआ कहा जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि आप भक्त हैं। देखिए, हाँ। और अगर कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी की हालत पतली है, बीजेपी इस बार 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी, तो आपको धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और सच्चा पत्रकार कहा जाएगा। ये जो डिफ्रेंशिएशन है इस पर मेरा सवाल है, और जो सेकुलरिज्म का जो पूरा जो परिभाषित किया गया है उसको, उस पर ये मेरा सवाल है, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा था। और एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जया जी आपने भी देखा होगा, आप तो इतने समय से देखती आ रही हैं सारे चुनाव, अलग अलग सरकारें, इस बार मीडिया में भी बहुत पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, जो डिवाइडिंग हुआ इस बार वही बात है, वही रूरल और अर्बन, एंटाइटल्ड और नॉन एंटाइटल्ड, एस्पिरेशनल, और मीडिया में भी वही लोग है। मैं कितने साल से देखते आ रही हूँ, मीडिया वाले कहीं मिलेंगे स्टूडियो में, थोड़ा बहुत रगाई करेंगे, फिर निकलते निकलते बोलेंगे शाम को गोल्फ क्लब में मिलेंगे, गोल्फ कोर्स में कल खेलते हैं, ये सब रिश्ता भाईबंदी बहुत होता है, और इसीलिए वो राडिया वगैरह सब कुछ हुआ, क्योंकि वो रिश्ता उधर सबके सामने आ गया। ये रिश्ता को तोड़ा है मोदी जी ने, और जैसे विपक्ष ने कहना शुरू किया, मीडिया बिका, EVM हैक, सुप्रीम कोर्ट गड़बड़, EC खराब, सारे चीज़ को बिगड़ा हुआ समझ रहे हैं, जो असलियत वैसे अगले 5 साल असलियत तो खत्म करने के लिए कुछ राय नहीं, वो लोग असलियत को ना सुनना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं। अभी भी बहुत कुछ कहेंगे, अब तो वोटर बिग गया बोलेंगे, वोटर खराब है बोलेंगे, जैसे कि
60 करोड़ लोगों का बदलाव कर देंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी इम्पोर्टेंट चीज। जी जी सर, माइक। मीडिया वालों की मलाई की सप्लाई पिछले 5 साल में बंद हो गई, इसलिए वो तड़प रहे थे। वो चाहते थे किसी भी तरीके से मोदी जाए ताकि उनकी मलाई की सप्लाई फिर शुरू हो जाए। दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग। सो वो अब दोबारा से बंद हो गई। जी, अब लगभग पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। 336 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और ये नंबर जो है लगातार बढ़ रहा है। 300 के करीब था, 36 सीटें और बढ़ गई है, 336। और अगर बीजेपी की बात करें 336 है, कांग्रेस 85। वैसे मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है, जो नारा दिया था मोदी है तो मुमकिन है, जात पात वाली राजनीति की हार मुमकिन है। अब आप समझिए कि अब होगा क्या, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या मुमकिन है। जात पात वाली राजनीति की हार मुमकिन है, जो कास्ट फैक्टर को मोदी फैक्टर ने डिफीट किया। नंबर एक ये चीज, तुष्टिकरण की राजनीति का खात्मा, अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो होती है एक वर्ग विशेष धर्म विशेष को खुश करने के लिए। सत्ता में बैठी पार्टी के पक्ष में लहर, मतलब एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती थी, अब प्रो इनकम्बेंसी हो रहा है। झूठे प्रचार पर जनता का प्रहार, ये जनता खुद समझ रही है कि कौन सच्चा कौन झूठा। आतंकवाद पर घर में घुसकर वार, जो बालाकोट हुआ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर मोहर एक तरीके से। राजनीतिक गुंडागर्दी पर नकेल, ये भी मुमकिन है, मोदी है तो अब क्या क्या मुमकिन है। स्वार्थ के लिए एकजुट विपक्ष की हार हुई है। इसके अलावा एक आम आदमी का 2 बार प्रधानमंत्री बनना, जिस चीज का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार में वापसी कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो क्या क्या मुमकिन है। प्रेम शुक्ला जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, 336 मेहनत रंग लाई सर आपकी। जी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आदरणीय अध्यक्ष जी के सांगठनिक संरचना के अनुसार जो काम किया उसका परिणाम दिखाई दे। स्वयं मोदी जी ने जो है 314 लोकसभा सीटों पिछले 6 महीनों में संभाली थी, वो लगातार जो है यात्राएं करते रहे 10,000 से अधिक लोगों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की ये पहली तस्वीर। बहुत बड़ा दिन है ये आज देश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। फर्स्ट ऑन जी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जीत के बाद की पहली तस्वीर उनकी मां की। 336 पर बीजेपी आगे है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की, ये तस्वीर हाथ जोड़कर अभिवादन करती हुई तमाम लोग जो उनको देखने के लिए बाहर इकट्ठा हुए, उनके घर के बाहर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रचंड बहुमत जो मिला मोदी सरकार को, मोदी के नाम पर बीजेपी को, उसके बाद ये पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की। जी प्रेम शुक्ला जी, कंप्लीट करिए, आप क्या कह रहे थे प्रेम शुक्ला जी? प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लगातार जो है परिश्रम की पराकाष्ठा की, 314 से अधिक लोकसभा सीटों में स्वयं गए, वो 1,00,000 अधिक किलोमीटर उन्होंने जो है यात्राएं की, दौरे किए, 10,000 से अधिक लोगों से उनकी खुद की भेंट मुलाकात हुई, 1,200 से अधिक प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया, 8,00,000 से अधिक बूथ की संरचनाएं हुई, लगातार बूथ के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने विमर्श किया। मैं आपके इस तरह का जो है चुनाव अभियान 1952 से लेकर 2019 तक आप दूसरा कोई आप इस तरह का कोई चुनाव अभियान नहीं दिखा सकते, उसी का परिणाम आज जनता ने दिया है। ठीक, हमारे साथ अनुपम खेर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अनुपम खेर जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और आंकड़ा जो है वो 336 तक पहुंच रहा है, इतनी उम्मीद सर की थी आपने? हाँ उम्मीद थी जी, बिकॉज जो वोट मिल रहा है वो विकास को मिल रहा है, वोट मिल रहा है वो राष्ट्रवाद को मिल रहा है, वोट मिल रहा है जो एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहा है। मैं चंडीगढ़ में किरण जी का प्रचार करने गया था तो वहाँ पर जो मुझे ग्राउंड पे सिचुएशन नज़र आई कि कोई भी अभी जात पात अमीर गरीब ये सब इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एक जो क्लीशे पॉलिटिशियन हैं, क्लीशे जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, उनका मुझे लगता है कि अंत होना था। और पूरे देश में जो माहौल है ये थोड़ा मुझे इसका एहसास था, बिकॉज युवा जो हैं, जो इतने लोग जुड़े हैं और जो पहली बार वोटर्स जुड़े हैं, उनको कोई इस बात की वो
बिल्कुल इसमें अनुशक्ति नहीं है कि उनको अपनी एस्पिरेशन साफ नज़र आती है मोदी जी की सरकार के साथ। तो सब लोग अपना अपने आप को सशक्त करने के लिए उन्होंने मोदी जी को वोट किया है। और एक बड़ा मैसेज अनुपम जी, इस जनादेश का जो 336 जो जनादेश है अभी के लिहाज से जो रुझान है, इसका एक बड़ा मैसेज आपको क्या लगता है, क्या मैसेज इस जनादेश के जरिए दिया गया है वोटर्स की तरफ से? मुझे लगता है कि जनादेश ने याद है ये जो एक खास किस्म की मैसेज जो भेजा है दुनिया में, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में लोगों को ये मैसेज भेजा है कि अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है, लोगों का भला चाहती है, राष्ट्रवाद पे बात करती है और एक अच्छा अनुशासन चलाती है, भ्रष्ट सरकार नहीं है, तो आपकी जीत हर बार लगातार होती रहेगी। इसी बात को तो जितने भी इस समय जितने भी लोग पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, वो बहुत ही क्लीशे किस्म के नेता थे या उनकी सरकारों को कोई विजन नहीं था। किसी भी सरकार ने या किसी भी विपक्ष की पार्टी ने देश को कैसे चलाना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उसका ना कोई रोड मैप दिया था, ना उसका कोई विजन दिया था। बस वो बार बार यही कहते थे कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। तो जनता बहुत जानती है, आजकल सोशल मीडिया है, लोगों तक लोगों को साफ नज़र आता है, आप अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। तो उनको पता था कि ये मुद्दा ही कोई नहीं है, कोई भी विपक्ष की तरफ से एक भी ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं था जिसको देख के कहा जा सके कि ये ठीक है, ये अल्टरनेट इनका काम हमें देखने को मिलेगा। तो जो विपक्ष अल्टरनेट हिंदुस्तान की बढ़ोतरी आगे कैसे बढ़ाना है उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे, तो वो कैसे जीतने की वो रख सकते हैं, कोई भी उनकी जीत पॉसिबल हो ही नहीं सकती है जी। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश की बढ़ोतरी बहुत आगे हो रही है, हर इंसान, हर नवयुवक जो है, जो युवा नेता, युवा लोग हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। तो ये जीत उनकी है, ये जीत अपने आप को सशक्त करने की है, ये जीत जरूरी नहीं है कि नेताओं की, ऑफकोर्स नेता तो सिंबल है, बट मोदी जी जो है या उनकी सरकार जो है, मैं हमेशा से कहता था उन्होंने 5 साल इसी बात पर पूरा अंडरलाइन किया कि वो देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो अंदर की भावनाएं होती हैं वो सामने आ जाती हैं, जो झूठ है वो भी सामने आ जाता है। तो आज जो जनादेश मिला है आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से शाम को जब इसका कंफर्मेशन हो जाएगा तो इस बात की ये जनता की जीत होगी, ये लोगों के सपनों के पूरे होने की पॉसिबिलिटी की जीत होगी जी। अनुपम जी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने देखा होगा कि पीछे 5 साल में राष्ट्रवाद को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया गया, और ये जो चुनाव था इसमें सिर्फ ये सीटों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा की भी लड़ाई है। तो अब राष्ट्रवाद का जो स्टेटस है हमारे और आपके जीवन में, ये उस पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल, मैं तो पर्सनली आपको लेकर, अपने आप को लेकर, ऐसे जितने भी लोगों ने राष्ट्रवाद पे बात की थी, कुछ खास किस्म के लोग हमको भी गाली देते थे और देते हैं और देते रहेंगे। तो जो लोग अपने देश का नहीं सोच सकते वो प्रजा का या लोगों का या वोटर्स का कैसे सोच सकते हैं, ये बात तो साफ हो गई। जो लोग सेना की कार्यप्रणाली को या उनकी शक्ति को कम करना चाहते हैं उनकी भी बात साफ हो गई। जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी भी बात साफ हो गई। तो राष्ट्रवाद कोई राष्ट्रवाद तो अपना सम्मान है, राष्ट्रवाद हमारा स्वर है, उसके ऊपर आप अगर टिप्पणी करेंगे तो आपको ऐसी ही मात मिलेगी, ये तो क्लियर है जी। क्योंकि जो मैंने जैसा कि कहा कि राष्ट्रवाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ जी। आपने देखा राष्ट्रवाद की बात पर जो भी मोदी जी की तारीफ करता था या हमने, मैंने तो अपने आप बड़ा क्रिटिसिज्म कुछ खास किस्म के लोगों से देखा है, और आपने भी, और आए हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मगर 99.9% जो है वो राष्ट्रवाद में बिलीव करते हैं। वो गिने चुने लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी बात करते रहते हैं और फिर बाकी लोगों से उनको लाइक और वो करवाते रहते हैं, रीट्वीट करवाते रहते हैं, वो देश नहीं है। देश वो है जो सेना के साथ खड़ा होता है, जो भारत माता की जय के नारे लगा सकता है, और बिना किसी बात के नहीं, अंधाधुंध नहीं। जी। आपके पासपोर्ट पर नाम के बाद दूसरा कॉलम होता है नेशनैलिटी, और वहां आप लिखते हैं इंडियन जी। तो इंडियन होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये गर्व तो हमें वैसे ही महसूस होना चाहिए जी।